हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, साइमल्टेनियस पोल के ऊपर एक और हमारा आया है, बट ओनली इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये बता रहे हैं कि साइमल्टेनियस पोल तो हो सकता है, पर सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं क्या है। अ फ्रेश अटेम्प्ट इज बीइंग मेड आउट मेड बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू वियर टूवर्ड्स द वन नेशन वन पोल। तो सबसे बड़ी बात यही है, वन नेशन वन पोल, विच वुड मीन दैट ऑल स्टेट इलेक्शन आर हेल्ड साइमल्टेनियसली विद द जनरल इलेक्शन इलेक्शन टू दी लोकसभा। तो स्टेट इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन सारे एक साथ होंगे। इन ऑर्डर टू किक स्टार्ट दिस प्रोसेस, वन वुड नीड टू कटेल द टर्म ऑफ द असेंबलीज इन सेवरल स्टेट्स हुज टर्म्स हैव नॉट एंडेड एट द टाइम लोकसभा इलेक्शन इज टू टेक प्लेस। तो इसके लिए सबसे पहले तो भाई एक साथ खत्म होंगे तभी तो एक साथ शुरू होंगे, तो वो टर्म चेंज करना पड़ेगा। कई असेंबलीज है उनके टर्म लोकसभा के साथ अभी मैच नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। ठीक है, ये प्रशांत भूषण जी है, ये देखिए इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एडवोकेट एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये बात बोली है। अब देखिए आगे क्या है। ऑप्शंस ऑप्शंस दैट आर अनडेमोक्रेटिक, देर इज अ डीपर प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन पोल। क्या है प्रॉब्लम देखते हैं। इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, सिंस द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स इंजॉइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे आप देखिए, कॉन्फिडेंस इंजॉय करेंगे तभी वो गवर्नमेंट रहेगी। मेजोरिटीज कैन बी चेंज मिड टर्म बिकॉज ऑफ द स्पिल्स इन पार्टीज डिफेक्शन, और इवन इफ सम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी रिफ्यूजिंग टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। ये चीज मिड टर्म चेंज हो सकती है, यहाँ पे ये बताया गया। ठीक है, और आप देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो जाता है कई बार, तो वो वापस से आपको फिर से इलेक्शन करने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये बात इन्होंने बताया, द गवर्नमेंट कैन फॉल मिड टर्म एंड दस लीडिंग अ मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, अगर बीच में गवर्नमेंट गिर जाती है तो मिड टर्म इलेक्शन होंगे। हाउएवर इन वन नेशन वन पोल यू कैन नॉट हैव मिड टर्म इलेक्शन इफ द रेस्ट ऑफ द स्टेट एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड द सेंटर हैव टू गो टू द पोल्स टुगेदर। तो इसमें अगर बीच में गवर्नमेंट गिर जाती है तो वन नेशन वन पोल में सबसे बड़ी बात, आप बीच में इलेक्शन नहीं करवा सकते। Therefore, the only option would be either continue with the minority government headed by the chief minister, prime minister, who has lost the confidence in the house, or the imposed precedence rule for the rest of the term. देखिए दो ही चीज़ होता है, या तो आप जो गवर्नमेंट गिरी है उसके साथ आप काम चलाओ, वो मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं होगी क्योंकि वो उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, तो उसको बोला गया माइनॉरिटी गवर्नमेंट, या तो आप वहाँ पे क्या लगा दो, इम्पोज अ प्रेसिडेंट रूल। जो बचे हुए टर्म है उस पर आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, क्योंकि इलेक्शंस तो नहीं हो सकते। तो ये दो ही चीज़ें हम उनको, मतलब अब वही गवर्नमेंट रहेगी, इसका मतलब क्या हो गया, हम उनको हटा नहीं सकते। और प्रेसिडेंट लगा दो कि स्टेट में, तो क्या मतलब हो गया, फेडरलिज्म के लिए खतरा हो गया। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो गया, यहाँ पे फेडरलिज्म के लिए खतरा हो गया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, एंड में मैं आपको एक बार समराइज करूंगा। इन इन माई व्यू बोथ दिस ऑप्शन वुड बी अनडेमोक्रेटिक एज इट वुड, हाँ देखिए, बोथ दिस ऑप्शन वुड बी अनडेमोक्रेटिक as it would mean that the government rules the center state enjoying the confidence of the majority of the house. ठीक है, without the confidence, तो मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है उसका, फिर भी इंजॉय कर रहे हैं वो लोग। दिस विल डिफीट द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो डेमोक्रेसी मैंने जैसा बताया, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी, यहाँ पे फेडरलिज्म नहीं होगा। देयरफॉर इन माई व्यू वन नेशन वन पोल इज पॉसिबल ओनली इफ यू स्विच टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेर द गवर्नमेंट इज रन बाय डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट और गवर्नर who does not need to enjoy the confidence of the majority of the house. तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमें ये चीज़ लाना है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म से हमें प्रेसिडेंट अरे पार्लियामेंट्री फॉर्म से हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आना पड़ेगा। ठीक है, who does not need majority of the house, उनको मेजोरिटी की जरूरत नहीं है जैसा यूएसए में होता है। दिस हैपेंस इन कंट्री सच एज यूनाइटेड, देखिए जैसे यूएसए में होता है। इन दोज कंट्रीज देर इज ऑल्सो अ क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन, वहाँ पे लाइन ऑफ सक्सेशन क्लियर है। Let down for the president or governor. If president dies mid-term, vice president and thereafter the speaker become the president of the remainder term. तो वहाँ पे पता है कि अगर ये जाएगा तो ये आएगा, ये जाएगा तो ये आएगा। तो वहाँ पे साफ सिंपल सी बात ये है। Such a presidential system can have one nation one poll without compromising the essence of democracy. तो वहाँ पे democracy आपकी compromise नहीं होगी और one nation one poll भी हो सकता है। The issue of one nation one poll has been examined by law commission and some parliamentary committees as well as the conclusion that was that it would be exceedingly difficult to implement it without substantial changes to constitution. तो जब तक constitution में changes नहीं करोगे वो चीज़ नहीं implement हो पाएगी। There were some suggestions that one nation one poll can happen even in parliamentary democracy by ensuring that the government when the government loses the confidence in the
हाउस कॉन्फिडेंस, व्हेन द गवर्नमेंट लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी, मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस लूज करेगा, बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन, सच ए नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट बी अकम्पेन्ड विद द कॉन्फिडेंस मोशन इन एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट. दिस विल इंश्योर दैट द सेम गवर्नमेंट और द अदर कंटिन्यूज टू द रिमाइंडर ऑफ द टर्म. तो बोल रहे उसके साथ, जैसे कि एक एक का नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, ठीक है, और वहाँ पे दूसरे का कॉन्फिडेंस मोशन भी ले आओ, तो पता चल जाएगा अच्छा ये हट रहा है तो कोई बात नहीं इसको ला दिया जाएगा. अभी है कि बस नो कॉन्फिडेंस है, इसको हटाओ, दूसरा क्या आएगा, फिर इलेक्शन होगा, उसमें क्या करेंगे, इसको नो कॉन्फिडेंस कर रहे हो तो अपोजिशन को कॉन्फिडेंस का मोशन ले आओ, ताकि बिना इलेक्शन के फिर वो आ जाए. हाउएवर द प्रॉब्लम हेयर इज दैट द लेजिस्लेटर्स मे नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इफ दे फील दैट द सब्सटेंशियल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. तो जरूरी नहीं है कि उनका कॉन्फिडेंस हो ही जाए, ठीक है, वो पास नहीं हो सकता, कई बार नहीं भी होगा, कई बार हो भी सकता है. देयर फॉर द विल ऑफ पीपल अबाउट द गवर्नमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्रेश इलेक्शन. तो भैया लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की सोच, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो चीज़ है ये तो इलेक्शन से ही पता चलेगी. इफ वन प्रोवाइड दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू बी अकॉम्पेन्ड बाय कॉन्फिडेंस मोशन इन अल्टरनेट गवर्नमेंट, वी मे हैव अ सिचुएशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंटिन्यूइंग इन ऑफिस विच इफेक्टिवली हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर. तो ये चीज़ तो नहीं है, कॉन्फिडेंस हट गया फिर भी वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे है. इट विल नॉट बी एबल टू पास लेजिस्लेशन और इवन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल. तो मनी बिल फाइनेंस बिल भी पास नहीं होगा तो भैया बजट नहीं पास होगा आपका. विदाउट विच इट विल बिकम डिफिकल्ट टू रन द गवर्नमेंट. दिस सजेशंस आर इम्प्रैक्टिकल इफ यू कंटिन्यू विद द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन अ वन नेशन वन. तो देखो सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वन नेशन वन पोल तो नहीं होगा, ठीक है. नीड फॉर अमेंडमेंट्स क्या है, द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेट वुड नीड टू बी अमेंडेड टू स्विच टू एन एसेंशियली प्रेसिडेंशियल सिस्टम वुड बी एज फॉलो. देखिए पार्ट फाइव में सबसे पहले यूनियन चैप्टर का जो है वन है एग्जीक्यूटिव, उसमें आर्टिकल 52 से 78, और चैप्टर थ्री में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. पार्ट फाइव पार्ट सिक्स में आप देखिए स्टेट चैप्टर टू एंड द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल इतने से इतना, एंड पार्ट फोर में आप देखिए लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये सारी चीज़ें आपकी अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी अगर हमें किस में स्विच करना है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे हमें स्विच करना है. इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम वुड ऑल्सो रिक्वायर अमेंडमेंट टू इंक्लूड सेवरल न्यू प्रोविजन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू लाइन ऑफ सक्सेशन. तो ये चीज़ें इन सारे आर्टिकल में दी है, गवर्नर प्रेसिडेंट और कौन जाएगा तो कौन आएगा, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है या ऑफिस वैकेंट हो गया तो कौन आएगा, लाइन ऑफ सक्सेशन उसको कहते हैं. तो ये चीज़ हमारे लिए अमेंडमेंट सारी चीज़ें करनी होगी. सम पीपल फील दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा लोगों को लगता है. दो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड डिस्कस्ड द इशू ऑफ द पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट सम लेंथ इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. They for good reason adopted a parliamentary system in a diverse country such as India. However, in my view, that would still not make parliamentary system part of basic structure. तो उन्होंने बोला कि आपका ये जो है diverse country के लिए parliamentary system अच्छा है, पर ये जो article लिख रहे हैं उन्होंने बोला कि ये अभी भी basic structure का part है. I am not sure about it. Democracy is certainly a part of the basic structure. ठीक है. And is consistent with the presidential form. One cannot say that the American system is not democratic. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हम presidential अरे parliamentary form को अपना हम बता दें कि ये basic structure है, तो उस हिसाब से आप देखिए आप question करेंगे American system को. तो वही ये कह रहे हैं कि भाई democracy is the basic structure, not the parliamentary or presidential system. दोनों में democracy आ रही है तो वो हमारे लिए ठीक है. Some people also feel that the presidential system would be an antithetical to a federal country. ठीक है, but it has not the case either. The United States is a federal country with its states enjoying vast power even within the presidential form. ठीक है, पर अब उनका क्या है ना, छोटा है स्टेट है बड़ा स्टेट है, सबके दो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं. इंडिया में थोड़ी चीज़ें अलग है. ये कह रहे हैं कि उनके स्टेट्स के पास बहुत पावर है पर हमारे स्टेट्स के पास उतनी पावर नहीं है क्योंकि हमारा सेंटर स्ट्रांग है. ठीक है, तो हमारे लिए वो भी अच्छा है. द डिवोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ द स्टेट और द लोअर टीयर ऑफ द गवर्नमेंट सच एज म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत विल नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिस्टम इज
प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें वो डिपेंड नहीं करेगी कि प्रेसिडेंशियल है कि पार्लियामेंट्री है। जो लोअर गवर्नमेंट आपकी होती है, आपके म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत, ठीक है, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसनट्रेटेड इन वन डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन, वेदर ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो उसमें तो एक ही आदमी के पास सारी पावर है। रेदर देन बींग द हैंड्स ऑफ मल्टीपल लेजिस्लेचर, दिस इज प्रोबेबली अ रीजन वाई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम मेकर चोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम रेदर देन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म, क्योंकि वहाँ पे एक हाथ में पावर नहीं होगी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ पे भी चीज़ें अलग है। सिंस दे डिड नॉट वॉन्ट एग्जीक्यूटिव पावर टू बी इन हैंड ऑफ वन पर्सन अलोन, स्पेशली इन द डाइवर्स कंट्री सच एज इंडिया, हाउ एवर डेट टू माई माइंड इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे सोच देखिए, मैं आपको एक मतलब एक बेसिक चीज़ यहाँ पे अपना एक बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इसलिए एक हाथ में, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं है, मानिए कोई यहाँ पे ढेर सारे रिलीजन है, हमारे कंट्रीज में ढेर सारे रिलीजन है। अब मानिए कोई ऑर्थोडॉक्सी पर्सन अपने रिलीजन का अपना वहाँ पे प्रमोट करने के लिए, और उसके पास पावर आ गया, तो क्या वो बाकी रिलीजन को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और वो लोग फिर ऑप्रेस होंगे। अब ये साइकिल चलता रहेगा, जब तक रिवोल्ट होगा, कोई दूसरा आएगा तो वो ऑप्रेस करेगा दूसरे को। तो इससे बचने के लिए कि ये चीज़ हो ही ना पाए, हमने यहाँ पे देखिए, बहुत छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसके और भी कई सारे उन लोग के दिमाग में चीज़ें होंगी, पर हो सकता है ये भी एक रीज़न हो मेजर। ठीक है, द गवर्नमेंट्स मूव, दो द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड अनदर कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हैंड पिक मेंबर टू डिसाइड द इशू, इट डज नॉट एंजॉय टू थर्ड मेजोरिटी इन द हाउस, हाउस वाइज टू पुश थ्रू दिस अमेंडमेंट्स विदाउट द सपोर्ट ऑफ द सब्सटेंशियल सेक्शन ऑफ द अपोजिशन। द अपोजिशन दैट इज द इंडिया अलायंस हैज इंडिकेटेड दैट इट डज नॉट सपोर्ट दिस मूव। ठीक है, थस दिस फ्रेश अटेम्प्ट टू स्विच टू वन नेशन वन पोल अपीयर टू बी टू मी टू बी नॉन स्टार्टर। तो ये इनके हिसाब से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इन माई व्यू इट मे हैव बीन फ्लोटेड एट दी जंक्चर ओनली टू गिव अ गवर्नमेंट सम लीवे टू पोस्टपोन इलेक्शन इन फाइव स्टेट्स विच आर ड्यू टू गो ऑन पोल्स दिस ईयर एंड। द रूलिंग पार्टी इज स्टार्टिंग एट डिफीट इन ऑलमोस्ट ऑल दिस स्टेट्स एंड डू नॉट वॉन्ट टू गो टू जनरल पोल ऑन द बैक ऑफ द डिफीट। हाउ एवर इवन पोस्टपोनिंग दिस इलेक्शन इन फाइव स्टेट्स टिल अप्रैल, इतना ठीक है। ये तो फॉर इंस्टांस, ये तो आपका पॉलिटिकल बात हो गया। फॉर इंस्टांस आर्टिकल 172 क्लॉज 1 स्टेट्स दैट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स अनलेस सूनर डिसॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर एंड द एक्सपायरेशन ऑफ दिस सेट पीरियड ऑफ 5 ईयर शैल ऑपरेट एज अ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है आपकी, वो जब तक डिसॉल्व ना हो तब तक वो ऑफिस अपना उसका 5 साल का चलता रहेगा, जब तक वो डिसॉल्व ना हो। परहैप्स व्हाट द रूलिंग पार्टी मे बी वांटिंग टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन दिस फाइव स्टेट्स। तो उनके हिसाब से क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ला, ला ला दिया जाए, शायद ऐसा रूलिंग पार्टी सोच रही है। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन टू गेट अ प्लैंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू ऑफ गवर्नमेंट अप्लाइंग पोस्टपोन, इतना ठीक है। द क्वेश्चन विल स्टार्ट नॉट फॉलो, ठीक है, ये तो आपका सारा वही हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लिवे अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम इलेक्शन, इतना असेंबली री स्पेशल रेफरेंस केस मन, इतना जो जस्टिफिकेशन रहा इतना, तो ये हमारे इतना वो नहीं है, ये अपना वो बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारे लिए इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ हो जाती है। देखिए सबसे पहले तो हमारे लिए ये वन पोल वन इलेक्शन किधर गया आपका, वन पोल वन इलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इस पूरे आर्टिकल में मैंने बता दिया क्या क्या इसमें दिक्कत है। सबसे बड़ा दिक्कत मैं आपको यही बता दूं, अगर यहाँ पे मिड टर्म पे कोई गवर्नमेंट वहाँ से डिसॉल्व की जाती है तो उसके पास अब दो ऑप्शन बचेगा, एक तो प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, या तो आपकी जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो इंजॉय करे। ठीक है, अब देखिए 356 होगा तो यहाँ पे आपका फेडरलिज्म आपका यहाँ पे अफेक्ट होगा, और अगर ये होगा तो आपका डेमोक्रेसी अफेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों चीज़ तो नहीं हो सकता। और अगर बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट सिस्टम से प्रेसिडेंट सिस्टम में करो तो वो इजी इतना वो भी इजी भी नहीं है। पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही हमें चेंज करना पड़ जाएगा जैसा हमने देखा। तो इनके हिसाब से और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भी ये चीज़ें ठीक नहीं है।
हमारे पास एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, मेरे पास राइट होना चाहिए कि मैं मिड टर्म में भी अपनी आवाज़ उठा के किसी को हटाना चाहूँ। कोई गवर्नमेंट कुछ गलत करे तो मैं उसको अकाउंटेबल खड़ा कर सकूँ, मैं उस गवर्नमेंट को हटा सकूँ। तो मेरे लिए जैसा चल रहा है वो सही है। ये चीज़ थोड़े से पैसे बचाने के लिए मैं अपने राइट्स को वो नहीं कर सकता, और ना ही अपने फेलो सिटीजन्स के राइट्स को मैं बोलूँगा कि खतरे में डालो। तो सही है, हम जैसे चल रहे हैं अभी, हमारे कंट्री जैसे कि डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया रिलीजन ढेर सारे हैं। अगर कोई ऑर्थोडॉक्सी आ गया, सब लोग ऐसे नहीं है, पर कोई एक जो किसी भी रिलीजन में, मैं किसी एक रिलीजन को नहीं कह रहा हूँ, किसी भी रिलीजन में कोई आ गया और वो सामने वाले रिलीजन को ऑप्रेस करने लगा, तो वो खराब हो जाएगा कंडीशन, फिर हमारी कंट्री की खराब हो जाएगी, फिर वो चीज़ रिटेलिएशन में और ख़राब होगा, फिर ये भी रिटेलिएट करेंगे। तो मेरे हिसाब से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही है, जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वन हैंड नहीं है। प्रेसिडेंशियल ठीक है यूएसए के लिए, हमारे लिए मेरे हिसाब से प्रेसिडेंशियल ठीक नहीं है। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।